हिट एंड रन केस मामले में दी गई 5 साल की सजा के खिलाफ अभिनेता सलमान खान द्वारा दायर याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट इस हफ्ते अपना फैसला सुना सकता है। भाईगल्ला पुलिस ने एक 42 साल के आदमी को 1000 कोरेक्स कफ सिरप के बोतल समेत किया गिरफ्तार। मुंबई में कांदिवली के दामोनगर इलाके में गोदाम में 60 सिलेंडर ब्लास्ट होने से लगी भीषण आग, आग में 200 झुग्गियां जलकर हुई खाक। मुंबई में दाऊद की संपत्ति की नीलामी में भाग ले रहे वरिष्ठ पत्रकार एस बालकृष्णन को अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील से फोन पर मिली धमकी। भारतीय कप्तान विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे और रविचंद्रन अश्विन ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आज टीम इंडिया की 3-0 की टेस्ट जीत कर चेन्नई के बाढ़ पीड़ितों को समर्पित किया। 40 साल बाद आज की रात है जिंदगी के सेट पर बाइक पर दिखे धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन। स्टारडस्ट मैगजीन के कवर पेज के लिए बॉलीवुड अभिनेता रणदीप हुड्डा हुए सेमी न्यूड। अब 4 इंच के छोटे वेरिएंट और 5 अलग अलग स्क्रीन साइज में आएगा सोनी एक्सपीरिया Z6। सैमसंग गैलेक्सी S7 जनवरी तक हो सकता है लॉन्च, इसकी कीमत S6 से 10% होगी कम। शेयर बाजार में सेंसेक्स 108 अंकों की गिरावट के साथ 25,530.11 पर पहुंचा। निफ्टी 16.50 अंकों की गिरावट के साथ 7,765.40 पर हुआ बंद। लगातार खबरें जानने के लिए डाउनलोड कीजिए मेरा इलाका एंड्रॉइड ऐप।